Hello students, how are you? I hope you all are safe at your homes. Students, today as you see, today our topic is backward counting. Students, what is backward? I will show in some sign language to you, like forward, backward. Forward means आगे, ठीक है, and backward means पीछे, like this. Forward, backward, okay? Forward means आगे and backward means पीछे, okay? This is your sign language, forward and backward. Now I will show you one example, okay? There are some numbers written on the notebook. Okay. When we start counting, we start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. When we start from 1, we start moving on and on. Aage aage hum badhte jaate hain. Theek hai students? You all know what this counting calls. Is counting ko hum kya bolte hain? Yes, tell me. Yes, you are right. It is forward counting. When we start from forward counting. When we start from with 1 and ends to 10. So, ye kya ho gayi hamari? Forward counting. Forward means aage, seedhi. ठीक है, नाउ व्हाट इज नाउ यू आर सीइंग दैट इन द फॉरवर्ड काउंटिंग नंबर्स गेट्स बिगर एंड बिगर व्हेन वी काउंट फॉरवर्ड. जब हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं तो आप देखेंगे कि नंबर जो हैं वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं, जैसे 1 आफ्टर 1, 2 देन 3 4 देन 5 6 7 8 9 10. तो नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, यू सी दैट. बट नाउ व्हाट इज बैकवर्ड काउंटिंग, व्हाट इज बैकवर्ड काउंटिंग. आई विल सिंग अ राइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैकवर्ड काउंटिंग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. 5 little monkeys जंपिंग ऑन द बैट. 5 little monkeys jumping on the bed. 1 fell off and bumped his head. 1 fell off and bumped his head. Mama called doctor, the doctor said, no more monkey jumping on the bed. Okay, next. 4 little monkeys jumping on the bed. 4 little monkeys jumping on the bed. 1 fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. 3 little monkeys jumping on the bed. 1 fell down and bumped his head. 1 fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. No more monkey jumping on the bed. 2 little monkeys jumping on the bed. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. No more monkey jumping on the bed. 1 little monkey jumping on the bed. 1 fell down and bumped his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. No more monkey jumping on the bed.
ओके नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग. आपको इस राइम से कुछ आइडिया हो गया होगा कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या है. पहले 5 मंकीज बेड पे थे, उनमें से 1 डाउन हो गया तो बेड में हो गए 4, है ना. देन 4 मंकीज में मंकी से 1 फेल डाउन, तो हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बच गए, 3. फिर 3 में से 1 डाउन गया तो कितने बच गए, 2, है ना. एंड 2 में से 1 फेल ऑफ, देन हाउ मेनी लेफ्ट, ओनली 1, है ना. एंड 1 फेल ऑफ, देन हाउ मेनी लेफ्ट, 0. ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग. नाउ आई विल शो यू इट इन नंबर लाइन. ओके, दिस इज द फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 10, यू नो दैट, है ना. नाउ हाउ वी टीच बैकवर्ड काउंटिंग, तो हम 10 से वापस चलेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दिस इज द बैकवर्ड काउंटिंग. अब हम कैसे आए, ऐसे उल्टा, ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग स्टूडेंट्स, यू ऑब्जर्व वन थिंग दैट इन बैकवर्ड काउंटिंग नंबर्स गेट्स डिक्रीजिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. 10 के बाद 10, आफ्टर 10 9, देन 8, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो नंबर गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या हो रहा था, नंबर जो थे वो बड़े होते जा रहे थे, बट बैकवर्ड काउंटिंग में क्या है, नंबर छोटे होते जा रहे हैं. मतलब जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हम 1 ऐड करते हैं, 1 नंबर को प्लस करते जाते हैं. जैसे 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया. इसलिए फॉरवर्ड काउंटिंग में हमेशा 1 ऐड करते हैं, बट इन बैकवर्ड काउंटिंग वी माइनस 1. 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा, 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 होगा. स्टूडेंट्स, आप स्कूल में पीटी करते हैं तो हम आपको पीटी में जब काउंटिंग बोलते हैं, हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आफ्टर 8 वी गो स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो वो क्या हो गई, बैकवर्ड काउंटिंग. इस तरह से स्टूडेंट्स, लाइक अब हेयर आई हैव सम स्टेयर्स. ओके, आई एम नेमिंग दैम. यहाँ पर मैंने कुछ स्टेयर्स बनाई हैं और मैंने इनका नाम क्या रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 स्टेयर्स हैं, ठीक है. लेकिन जब हम 1 से 10 तक काउंट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, फॉरवर्ड काउंटिंग. जब हम सीढ़ियों में नीचे से ऊपर को जाते हैं, अप होते हैं, ठीक है. व्हेन गो अप, जब हम ऊपर जाते हैं तो वो होती है फॉरवर्ड काउंटिंग. ओके, बट व्हेन वी कम डाउन टू द स्टेयर्स, लेकिन जब हम स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं, नीचे को आएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे. अभी देखिए कैसे होगा, 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, 3, 2, 1. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज द बैकवर्ड काउंटिंग. मतलब हम डाउन जा रहे हैं, डिक्रीजिंग, नंबर इज डिक्रीजिंग लाइक दिस. ओके, ये आपकी बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग. ओके स्टूडेंट, व्हेन वी गो अप ऑन द स्टेयर्स तो इट्स कॉल्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, बट व्हेन वी कम बैक डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स तो इट विल कॉल बैकवर्ड काउंटिंग. स्टूडेंट्स, आप इस एक्टिविटी को अपने घर में स्टेयर्स पे भी कर सकते हैं.
ओके, जब आप स्टेयर्स के ऊपर को ऊपर चढ़ेंगे वन बाय वन, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वट एवर द स्टेयर्स देयर इन इन योर हाउस। ओके, जितनी भी सीढ़ियाँ आपके घर में हैं उतना काउंट करके आप ऊपर जाएंगे, और जब आप वापस आएंगे तब आप उसको बैकवर्ड काउंटिंग में काउंट करेंगे। सपोज आपके घर में ओनली 6 सीढ़ियाँ हैं, अगर आपके घर में सिर्फ 6 स्टेयर्स हैं तो आप कैसे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद आप बैकवर्ड, जब आप नीचे उतरेंगे वापस, ठीक है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप फिर काउंट करेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी बैक फॉरवर्ड और ये हो गई आपकी बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, इस तरह से आप घर में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप पेपर में भी इस तरह से स्टेयर्स को बना के अपना यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और बैकवर्ड में आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक गेम को प्ले करना है तो आप अपने घर की स्टेयर्स को बार बार गो अप, घर की स्टेयर्स पे ऊपर जाइए, और घर जब आप वापस आएंगे तो उसको बैकवर्ड काउंटिंग में काउंट करते हुए नीचे आइए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो ये बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। आपको वर्कशीट में भी हमने आज बैकवर्ड काउंटिंग दी है, तो आप इसी तरह से उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बैकवर्ड का मतलब हो गया उल्टा चलना। ओके, तो आई होप आई एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ बैकवर्ड काउंटिंग। तो डू इट ऑन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।